मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 10:45 और आज थोड़ा मैं लेट उठी थी क्योंकि कल पूरी रात जगराता हुआ है माता का। कल हम 1-2 बजे तो सोए हैं क्योंकि हमारे यहाँ 3-4 फैमिली हैं तो उन सबके यहाँ मतलब सबके यहाँ रात जगा हुआ है तो सबके यहाँ जाना पड़ा इसलिए। और मेरा पूरा काम हो चुका है और मैं नहा धो के एकदम फ्री हूँ। आज हम जा रहे हैं धौलपुर, धौलपुर में हमारा फ्लैट है, वहाँ जा रहे हैं आज। मैं आई थी सैटरडे को आई थी, फिर माता पूज के, फिर मैंने सोचा कि मैं माता पूज के ही जाऊँ, फिर हमारी माता अभी पूजी नहीं है क्योंकि हम 8 तारीख को हमारा प्लान बना है, हम करौली जाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बहू जैसे न्यू ब्राइडल बहू होती है ना तो उनको 1 साल के अंदर मतलब माता मैया के दर्शन कराने ले जाते हैं, करौली ले जाते हैं, इसलिए मुझे अभी लेने गए हैं। अक्टूबर का महीना हो गया इसलिए मम्मी ने पापा ने प्लान बनाया है कि हम लोग 8 तारीख को जाएंगे। तो फिर मम्मी ने कहा कि 9 तारीख को पूनो होती है ना, तो हमारे यहाँ पूनो ऐसे, तो उसी दिन हम माता पूजेंगे। तो हम वहाँ से लौट के फिर हम अपनी माता पूजेंगे, फिर हमारे यहाँ भी रथ जगह होगा। कल हमारी माता पूजी नहीं थी तो अब मैं जा रही हूँ धौलपुर। मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे करवा चौथ की शॉपिंग करनी है। करवा चौथ आने वाला है 13 अक्टूबर का, मेरा फर्स्ट करवा चौथ है इसलिए मुझे शॉपिंग करनी है। हमारे यहाँ ऐसे फर्स्ट करवा चौथ होता है तो उसका जो भी श्रृंगार जो भी सामान होता है दुल्हन का वो सब मायके की तरफ से आता है तो उसी के लिए मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। मेरे पापा ने बोला था कि मैं जो अपने लिए सामान ले रही हूँ तो मैं अपनी पसंद से ही लूँगा इसलिए पूरी शॉपिंग मैं ही करने जा रही हूँ, साड़ी वाड़ी लेने और सिंगार का जो भी सामान है मम्मी के लिए। ऐसे छिड़कते हैं ना सामान, से हमारे यहाँ छिड़क के सामान देते हैं। जैसे मैं फर्स्ट बार अपनी सासू माँ को दूँगी, किसी को भी दे सकते हैं, सुहागिन आप चाहो जिसको भी दे सकते हैं। इसलिए हमें लेट हो रहा है, इनका ड्यूटी का टाइम हो चुका है, हमें 1 घंटे का रास्ता है यहाँ बाड़ी से धौलपुर के लिए। तो मैं निकलती हूँ, मुझे जल्दी से रेडी होना है वरना ये चल जाएंगे फिर से। तो मैं टाइम लगता है तैयार होने, वैसे टाइम तो लगता है यार पर, लेकिन जल्दी जल्दी करना है मुझे इसलिए मैं आपको रेडी होके मिलती हूँ। ओके, अब मैं हो गई हूँ रेडी एकदम फुल। मैंने अपनी फेवरेट साड़ी पहनी है। ये साड़ी पता है मेरी फेवरेट क्यों है? क्योंकि ये यार बहुत 5 मिनट में पहन जाती है, बस एकदम मस्त साड़ी है। देखो ये बॉडी से एकदम मतलब चिपक सी जाती है, एकदम मस्त साड़ी है। वरना मुझे जैसे साड़ी पहनना आता नहीं है, ये फर्स्ट साड़ी है, एकदम मस्त पहनती है मुझसे। कैसे लग रही हूँ बताना। और हमारी पैकिंग भी हो चुकी है, वैसे हम ज़्यादा पैकिंग तो की नहीं है क्योंकि हम 8 तारीख को तो आ ही जाएंगे, तो थोड़ा बहुत सामान रख लिया है बस डेली यूज का। फ्लैट पे हम 4 लोग रहते हैं, मैं और ये और मेरी ननद और देवर, 4 लोग रहते हैं। अभी वो दोनों वहाँ रह गई हैं, अब जाते हैं उनसे मिलते हैं। वैसे भी 2-3 दिन से हो गए मिले नहीं हैं उनसे इसलिए मिलते हैं। अब हम निकलते हैं जल्दी, वैसे भी बहुत लेट हो गया है, धूप हो गई है, बहुत प्रॉब्लम होती है ट्रैवल करने में तो बहुत, आपको पता है कितनी परेशान हो जाते हैं धूप में वैसे जाते हैं वो भी, इसलिए हमें अभी निकलना पड़ेगा। मैं सबके पैर छूँगी, सबसे पहले सबके पैर छू के जाती हूँ हमेशा, मैं आती हूँ फिर भी छूती हूँ, तो मैं निकलती हूँ। जाते हैं फिर भी सिंगाड़े लेते हैं और फ्लैट पे जाते हैं फिर भी सिंगाड़े लेते हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मेरा रूम एकदम साफ सुथरा,
ये हमारी मधु दीदी है, सिंगाड़े लाए थे हम रास्ते से तो वो खा रहे हैं। अपने घर से आगे थोड़ा बहुत आराम किया, फिर हम शाम को मार्केट गए थे। मैंने मीशो से लहंगा ऑर्डर किया था, उसकी आज डिलीवरी हुई थी। और वो लहंगा भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैंने उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी डाली है शॉर्ट, तो आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। मैं मार्केट में उसका ब्लाउज़ वगैरह डलवाने गई थी, और अब नाइट हो चुकी है, हमने खाना पीना खा लिया है। अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय, गुड नाइट।